लॉकडाउन की वजह से पूरे देश पे ब्रेक लगा हुआ है और इस वजह से हजारों शादियां टालनी पड़ी हैं जो अप्रैल के महीने में होनी थी। खास करके 20 अप्रैल के बाद काफ़ी ज़्यादा शादियां थी और उन सभी को टालना पड़ा है। ऐसे में एक हरियाणवी छोरे ने मैक्सिकन लड़की से 13 अप्रैल को शादी रचाई, बिल्कुल कोर्ट मैरिज की, और उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी इसलिए उस शादी को होने दिया गया। वरना जितने भी पारिवारिक समारोह होते हैं जिनमें 500-600 लोग गैदर होते हैं उन सभी शादियों को टाल दिया गया है। तो ये लव स्टोरी कुछ ऐसी है। ये हरियाणवी छोरा जिसका नाम है निरंजन कश्यप और मैक्सिको की लड़की है जिसका नाम है डाना, ये दोनों एक दूसरे को मिले थे एक ऑनलाइन स्पेनिश कोर्स में जिसमें दोनों ने दाखिला लिया हुआ था। और ऑनलाइन स्पेनिश कोर्स में जब ये मिले उसके बाद इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी गहरी हुई उसके बाद निरंजन कश्यप मैक्सिको गए लड़की से मिलने और वहाँ पर कुछ वक्त रहे, वहाँ पर नौकरी की और फिर वहीं पर सेटल होने का मन बना लिया। और इसी दौरान लॉकडाउन से ठीक पहले डाना शादी करने के इरादे से हरियाणा आई थी और इनको बिल्कुल पूरे पारिवारिक समारोह में शादी करनी थी, लेकिन जब देखा कि पारिवारिक समारोह तो पॉसिबल ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो इन दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया क्योंकि इनको 5 मई को वापस जाना है। हालांकि 5 मई की फ़्लाइट इनकी हो पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये लव स्टोरी चर्चाओं में है क्योंकि एक हरियाणवी लड़के ने मैक्सिकन की लड़की से शादी की। और ये खबरें जब हरियाणा में इस तरह के केसेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खबर भी बनती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।